लेकिन कई ऐसी हदीस में जो हमें ये इस तरह इंडिकेट करती है कि जो जाल है वो अभी आना है किसी यहूदी घराने में पैदा होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी इस तरह चला रही थी कि जाल के पास टाइम लेवल से रिलेटेड एबिलिटीज होंगी, और अगर हम उससे पहले इन एबिलिटीज को अचीव कर लेते हैं तो क्या उसके लिए इन्हें काम आसान भी कर लेंगे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स? और क्या जाल सिर्फ मैजिक के ऊपर? किसको पता है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का? किसी को पता भी नहीं है, बोल कह रहे हैं हम। नहीं, वो मुझे पता है, फिक्र नहीं करें। आप में से किसको पता है? वाह, एक बंदा। तो ऐसे सवाल बनाए हुए आपने जिसका फायदा ही नहीं होना किसी को। बहाना चाहिए नहीं ताली बजाने का। इस बार पे क्या ताली बजानी थी? वैसे हमें कुछ नहीं आता सर, ये क्या बात है जी? थोड़ा थोड़ा ना मेरा वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, बताया। जो सवाल, क्या सवाल पूछा है? आवाज आ रही थी आप सबको? दज्जाल ने तीन सवाल पूछे थे, बताएं वो सवाल क्यों? बेटा इसलिए क्या था, ये सवाल किसने लिखे? तो वो तीन सवाल क्या पूछे थे? सुना सुनाया इस्लाम जितना भी है ना आपका, वो हम पाकिस्तान का कौमी खेल है। पहले तो पाकिस्तान का कौमी खेल बदलें, हॉकी नहीं है ये, कि सुनी सुनाई बात आगे करेंगे। मगर आपने दुरुस्त बात की, उर्दन का बाग, फरात का पानी और नबी सलाम का की बोसत, के नबी सलाम ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है कि नहीं, ये तीनों वाकयात किस रेल्म से एक्सप्लेन होते हैं, किस सब्जेक्ट मैटर के हैं? टाइम के हैं। ओके, बीच में हिस्ट्री, मगर टाइम असल में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मगर आपने फिजिक्स में नहीं, आपने हिस्ट्री के थ्रू बोला टाइम। यस, और अगर उसको जंजीर से ना बांधा गया होता और वो ऐसे आसमान की तरफ मूव ना कर रहा होता, यू नो, टू एंड फ्रो, तो फिर ये सिर्फ हिस्ट्री के सवाल थे। एक और वजह भी है जो हिस्ट्री के सवाल नहीं है, मैं तफसील इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहले मैं, क्योंकि आंसर से पता चल जाएगा आपको। और कौन से सब्जेक्ट मैटर से? फरात का पानी खुश्क हो जाना, गौर से समझें, उर्दन का बाग खुश्क हो जाना और नबी इस्लाम की बौसत का ऐलान हो जाना। उसका नबी इस्लाम की बौसत के ऐलान से ताल्लुक नहीं है ना। क्लाइमेट चेंज को तो छोड़ दें, यह कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है ना, वो क्लाइमेट चेंज तो फिजिक्स में आ जाएगा ना। Come on, boys, girls, लड़कियां तो हाथ खड़ा करें। I want to know how many girls are here in this room. अच्छा, और अब बात सुन, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स अभी भी पढ़ रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर तो चलें, इंजीनियरिंग तो है ना। अच्छा, नबी सलाम की बौसत कुरान पाक के एंगल से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फरात का पानी कुरान पाक के एंगल से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। पूछे, ऊंचा पूछे, ऊंचा, ये यही हरकत के आमादा करने का सवाल पूछें, पूछें। यस यस, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे? नबी सलाम ने ऐलान कर दिया है कि मैं नबी हूं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे है? माइकल फैराडे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, समझे जरा। नबी सलाम ने
ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. یا پہلے کون سے ٹاپک بتائیں, پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کی بوسط کا, ٹھیک ہے. یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے ہے سن لو نا, پتہ ہے آپ ہی کا سوال ہے, آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں, سنیں نا. کیا رہ گیا بتائیں, مجھ سے پوچھیں نا, بتائیں. اچھا اچھا, ہاں ہاں, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, سائنس کے سوال چھوڑنا مت, بار بار پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن پاک میں, فرشتے امر لے کے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتے ہیں خاص راستے سے, سمجھ گئے, پتہ ہے نا سورہ معارج میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان ساتویں آسمان سے نیچے آئے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس ملاقات کا اعلان آگے کر دیا, ہم سب کو پتہ ہے. دجال نے یہ پوچھا تھا کہ وہ راستہ کھل گیا ہے, جیسے فرشتے نے آنا تھا اور آ کے وحی کرنی تھی, اللہ کا امر نیچے لے کے آنا تھا, سمجھ آ گیا نہیں سمجھا؟ اوکے. فرات کا پانی نبی اسلام نے معراج پہ جا کے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ سے چھٹے آسمان سے پانی نکل رہا ہے, اور ان نون راستہ, جو کہ فزکس والوں کو پتا ہے, ان نون راستے سے زمین میں انٹر ہو رہا ہے. اس راستے, اس ٹریک کے بارے میں اس نے دوسرا, پہلے ٹریک کے بارے میں پہلا سوال, دوسرے ٹریک کے بارے میں دوسرا سوال, کہ وہ ٹریک بھی ابھی کھلا ہوا ہے, وہ ٹریک بند ہو گیا ہے. ان ادر ورڈ ہی سیڈ, کیا فلاں ٹریک کھل گیا؟ جی وہ کھل گیا, نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا, فرشتہ آ گیا. دوسرا والا ٹریک بند ہو گیا؟ نہیں, وہ ابھی بھی جاری ہے, پانی جل رہا ہے, سمجھ گئے؟ آپ پتہ چلا یہ فزکس کے سوال کیوں ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو میں فزکس کے اینگل کیوں دے رہا ہوں. قرآن پاک فزکس کے اینگل دیتا ہے, ہم لوگ لیتے نہیں ہیں. جی آتا ہوں, کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہاں تو ابھی بھی اوپن ہے, ہر ہر شب قدر کے ہو, اللہ نے سورہ قدر میں بتایا نہیں, یہ سارے فرشتے آتے ہیں. جب تو وہ ٹریک پہلے سے اوپن ہے تو اس کے لیے تو اوپن ہے. نہیں نہیں, نبی علیہ السلام کی بوسط کا اعلان جو ہے نا, یہ صرف حضرت جبرائیل کے نیچے آ کے یہ اعلان نہیں کر دینا کہ ہاں ایک اور نبی آ گئے, بے شک آخری ہی صحیح. That's not what he asked. He said the last time Jibreel Amin comes in for a prophet, has that happened? This track for this purpose is used for the last time. Of course, نبی علیہ السلام کے بعد تو نبی نہیں آنا نا, اب نبی نے نہیں آنا. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, اور سمجھے, دجال نے خود بتایا ہمیں, نبی علیہ السلام نے بھی بتایا ہمیں کہ اب اگر ٹریک یوز ہوگا تو کس لیے یوز ہوگا؟ نبی کے لیے ہی یوز ہوگا یہ ٹریک. ہمیں پتا ہے وہ کون سے نبی ہیں, اور اس بندے نے, اس دجال نے اسی نبی کا علیہ السلام کا حلیہ بنا کے دنیا میں آنا ہے, بتانا اس بات کا. He is asking about the trajectory. نبی اسلام نے اشارہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے, دو بندوں نے سہارا دیا ہوا تھا, بال سے پانی ٹپک رہا تھا, بال گیلے تھے, اور پیچھے پیچھے دجال بالکل اسی طریقے سے طواف کر رہا تھا. اوکے, یہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کو دھوکہ دینے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ مرر کرے گا, اس لیے گدھے پہ آئے گا. سمجھے, یہ سارے کے سارے کلوز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج نشانیاں بتا دی ہوئی ہیں. ایوریبڈی کلیئر یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی وہ گدھے کا کون سمجھا گیا جس کو یہ جہاز بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ گدھے پہ تھے, حضرت عیسیٰ کی سواری گدھا ہے, نبی اسلام کی سواری اونٹ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اسے گدھے پہ آنا ضروری ہے, ورنہ عیسائیوں نے ماننا نہیں ہے اور یہودیوں نے بھی نہیں ماننا. انہوں نے کہا سن آف ڈیوڈ ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی, یہ لکھا ہوا ہے ان کی تالمود میں, ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی. اگر سارے یہودی اسرائیل آ گئے تو, اگر سارے یہودی اسرائیل نہ آئے پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا.
फिर वो अचानक जहूर होगा उसका, ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये मुसलमानों ने लिखा हुआ। अब हमें तो पता है, हमारे नबी ने क्या बताया, तो हमें पता है कि इसराइली यहूदियों ने इसराइल आ जाना फिर, क्योंकि उनकी कंडीशन भी पूरी करनी है ना। हमें हर तरीके का हैंडल मिल रहा, हम ले ही नहीं रहे, बस वापस आए। ईसा इब्ने मरियम जिस ट्रैक से आने, इसीलिए तो ईसा इब्ने मरियम को देखते ही दज्जाल के साथ क्या होना है, कोई वेपन इस्तेमाल नहीं होना। जिधर जिधर ईसा इब्ने मरियम की नजर और सांस जा रहा होगा, उधर उधर दज्जाल मर रहा होगा। He will be running from the sight and the breath of Isa ibn Maryam. So he knows the tracks. He knows those ways. इसको ways बोलते हैं ना, रास्ते। All he's doing is plotting के भाई ये वाकया, क्योंकि उसने घड़ी तो नहीं देखनी है, क्या डेट हुई है जी आज, क्या टाइम हुआ है? उसने इन द बिगर लैंडस्केप टाइम ही बताया कि ये टाइम हो गया, ये इस टाइम तक इस ट्रैक ने चलना है। लिटरली ही सेइंग कि फरात का पानी खुश्क हो जाना है। दज्जाल ने बोला ये तमीमुद्दारी को, हमें अलग से नबी इस्लाम ने फरात के बारे में क्या बताया कि फरात का पानी खुश्क होगा तो क्या होगा, उसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा, तो फरात का पानी खुश्क होगा। यह अलग हदीस है, दज्जाल ने अलग से सवाल किया हुआ है। ऊपर सिद्रतुल मुंतहा पे कुछ ट्रैक क्लोज किया जाएगा, नीचे दो वाकयात हो रहे होंगे। दज्जाल ने एक का पूछा है, हम दूसरे को कनेक्ट नहीं करते उसके साथ। नबी सलाम ने ख्वाब में ईसा इब्ने मरियम और दज्जाल का बताया है कि कॉपी कर रहा है, हर चीज कॉपी कर रहा है। जिब्राइल अमीन इस ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए नीचे आते हैं इंसानी शक्ल में, और उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि ये पहली दफा हमने देखा कि ये बंदा तो मदीने का नहीं है, हम तो जानते हैं मदीने के लोगों को, मगर ये दूर से भी नहीं आया। वो कैसे पता चला ये दूर से नहीं आया? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को सबसे मशहूर हदीस है, नबी सलाम से उन्होंने ईमान का मतलब पूछा, और मैं पूरा इस्लाम, नबी सलाम ने पूरी उम्मत को इस्लाम सिखाया उस हदीस में, बहुत मशहूर हदीस है। हज़रत उमर की टेस्टिमनी क्या है इसके ऊपर कि ये बंदा लोकल तो नहीं है मगर मुसाफिर भी नहीं है, मुसाफिर भी नहीं है क्योंकि, कोई एक बंदा बता दे, कपड़े साफ तो सहाबा के भी होते थे जी, के ये के बालों से पानी टपक रहा है। ये हज़रत उमर को ने हज़रत जिब्राइल अमीन के बारे में बताया हुआ है कि इसके तो बालों से पानी टपक रहा है, अभी अभी किसी हमाम से निकल के आया। ही इज सो फ्रेश, यू नो ही इज नॉट टायर्ड, ही इज नॉट अ ट्रैवलर, बट ही इज नॉट अ लोकल। और आके नबी सलाम के सामने तशरीह रखते हैं दोनों, हज़रत जिब्राइल अमीन और नबी सलाम का डायलॉग होता है, एंड वी नो द हदीस। पॉइंट यहां पर था कि जिब्राइल के जब बाल टपकते हैं तो हमें समझ क्यों नहीं आती कि जिस ट्रैक से आते हैं ना, वो दूसरी हदीस आप मैं सुनाने लगा हूं कि नबी सलाम ने शाह फरमाया कि इस आसमान 500 साल, फिर पानी, फिर अगला आसमान 500 साल, फिर पानी, फिर उससे अगला आसमान, फिर पानी, इस तरह सातवें आसमान पे पानी और पानी के ऊपर अल्लाह का तख्त। ज्योमेट्री समझ आ गई? ये हमने गैर मुसलमों को और साइंटिस्ट को समझानी थी कि यूनिवर्स ये है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज नॉट द एक्सटेंट ऑफ दिस होल यूनिवर्स, दिस इज अ स्मॉल लिटल बॉल इन अ लॉट ऑफ अदर बॉल विच आर 7 इन नंबर। बहरहाल पॉइंट ये, वो पानी जो रास्ते में आ रहा है ना, वो पानी टपकता है, वो सिर्फ जिब्राइल अमीन के बालों से नहीं टपकता, वो ईसा इब्ने मरियम के बालों से भी टपकता है। ट्रैक समझें आप, मैंने इसलिए कहा था ये फिजिक्स की हदीसें हैं और हम मुआशरतियात और इखलाकियात में खाली कैप करके बैठ गए, कैप का मतलब लॉक करके बैठ गए। वो साफ साफ पूछ रहे, हम साफ साफ समझ नहीं रहे, हम रॉकेट साइंस में बना दिए कि दज्जाल ने जहाज में बैठना जरूरी है जी। सोचें जरा, ये मुसलमान इस वक्त आजकल का पढ़ा लिखा लड़का है कह रहा है कि सर आप समझते हैं दज्जाल का गधा जो है वो ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे तो हज़रत ईसा क्या बोइंग 747 की फ्लाइट पर तो नहीं आएंगे ना। हज़रत ईसा का आना तुम्हें समझ आ रहा है, बुराक का ऊपर जाना समझ आ रहा है, मगर दज्जाल का गधा तुम्हें हवाई जहाज बनाना जरूरी है। Somehow that man has to have our technology. बाकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास, हर हस्ती में खुदाई, दज्जाल जिसे सबसे ज्यादा अजीबो गरीब हरकतें करनी है, मुर्दों को जिंदा करना है, मार मार के दोबारा दोबारा जिंदा करना है, मगर उसका गधा नॉर्मल होना जरूरी है।
All of this is explained simply through your subject, your core subject. और किसी को नहीं आती फिजिक्स ना पाकिस्तान में, इसलिए आपको फिजिक्स बता रहा हूं. अगर आपका सब्जेक्ट कोई और होता तो मैं उस सब्जेक्ट के एंगल से भी बता देता. इस सब्जेक्ट के एंगल के आप लोगों ने डेवलपमेंट की हुई है, होपफुली की हुई है. आई होप सो. जी उर्दन का बाग कैसे खुश्क होता है? बाग नेचुरल स्प्रिंग है, वो नेचुरल ऑर्गेनिकली ग्रोन गार्डन है. वो हजार साल से खुश्क नहीं हुआ. किसान ज्यादा के पानी नहीं देते उसको. नो 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 जी, द सोर्स ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम बीनीथ. वो खत्म हो रही है, तीनों के तीनों जो कहीं और से आ रही है. वो स्प्राउट है जो कि कहीं और से आ रहा है, उधर पानी की सोर्स निकाल ली, वो वाली ट्रैक भी बंद हो गए. बहुत इत्मीनान से समझें, नबी इस्लाम ने चार और रिजर्वॉयर्स बताए हैं हमें पानी के, जो कि छठे आसमान से निकल रहे हैं. ये बाकी के रिजर्वॉयर भी अलग अलग आसमानों से हैं, मगर इन चारों का मुझे पता है क्योंकि हदीस में के गिहोन स्प्रिंग और तीन अरब के दरिया छठे आसमान से निकल रहे हैं. ओके जी. पोर्टल नहीं बेटा, मैंने पोर्टल आज अभी नहीं बोला, जबरदस्ती पोर्टल ना करें. मैंने ना आई डिडंट से पोर्टल्स, ताकि आपकी पहले फिलॉसफी क्लियर करूं. मैं माइकल फैराडे बनाना चाह रहा हूं आपको, जेम्स मैक्सवेल नहीं. पहले फैराडे के लिए कॉन्सेप्चुलाइज करें और दें कॉन्सेप्ट दोनों को, लोग दुनिया को. जी आप सवाल बताएं. हदीस का भी जिक्र हुआ है कि दज्जाल दुनिया में था, उसने हज़रत मिंबर से बात की है, तो जो पोर्टल या रस्ते हैं इनके बारे में सवाल आप किएंगे जहाँ से जिब्राइल आते हैं, तो उसे उन रस्तों की क्या जरूरत है कि जब वो दुनिया में जाहिर होगा तो वो दुनिया में डायरेक्ट तो आ सकते हैं, उसे रस्तों की क्या जरूरत है? दज्जाल का नाम तो पता है, उसके काम पता है आपको? दज्जाल का काम पता है आपको? और डिसेप्शन तो उसका हुनर है ना. पहला दिन उसका एक साल का होना है, ये काम है उसके. बारिशें करनी है उसने, मुर्दों को जिंदा करना है, मरे हुए बाप जिंदा करके दिखाएगा. ये लेते रहा हर दुनिया के इंसान के सामने वो हरकतें होनी, दुनिया के एक एक घर में पहुंच जाना है उसने. सोचें एक साल, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा रेगुलर, टोटल कितने दिन? नहीं नहीं ये तो चार महीने गिने. दज्जाल कितने दिन बना? तो ये सारी की सारी अचीवमेंट उसने पूरी दुनिया के एक घर में पहुंचाने की 40 दिन में करनी है. ही नीड्स दिस टेक्नोलॉजी टू गो टू एवरी सिंगल मैन एंड वुमन. मोस्ट ऑफ द वुमेन आर गोना से यस, थैंक यू गर्ल्स. समझे? That's why he is playing with these concepts. और ये पोर्टल नहीं, इंटर रेलम बोले आप. आई पर्सनली बिलीव कि वो इंटर रेलम है. दज्जाल इज इंटर रेलम, इज नॉट इंटर गैलेक्टिक. बट दीज ट्रैजेक्टरीज, दीज ट्रैक्स, दे ट्रेवल थ्रू द रेलम्स. नहीं बेटा, मैं इस रेलम का मतलब होता है डायमेंशंस. ओके, इधर ही जिन इधर ही मौजूद हैं कि नहीं पता ना आपको, मगर इस डायमेंशन में नहीं. ओके okay? Yeah, well, it is one way of, one attempt to explain this, one attempt. Quantum physics is one attempt. Still, Quran Pak ka banda jab aayega na quantum mein, to phir kaafi saari ayatein usko milengi ki kahan se main platform apne zehn ka establish karke theorize to karun at least. Okay, ji. Dajjal ko abhi chhodna the, main UET aaya hua hu, main samjha tha koi. और भी सवाल होंगे. दज्जाल क्यों फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का वैसे? रुकें, मेरा सवाल का जवाब पहले. व्हाई डू यू गाइस केयर अबाउट दज्जाल? ब्याह तो सारी लड़कियों ने करनी है.
सारे सवाल लड़के हर बार दज्जाल दज्जाल करते रहते हैं। हाजरा सोचे ना सही, कुरान से रिलेटेड सवाल है। आता हूं आपके सवाल भी लेता हूं। दज्जाल का इंटरेस्ट का जवाब तो दें, व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन दज्जाल? लिटरली मुर्दों को जिंदा करेगा, ये डिसेप्शन अकीदे की कर रहा है, करतूत बिल्कुल जेनुअन कर रहे हैं, मतलब जेनुअन का मतलब है असल में हो रहे हैं, हदीस क्लियर है ना इस पे। मैं आपको हदीस बता देता हूं, आपके जेन में कोई किसी मौलवी साहब ने फतूर डाला हुआ निकल जाएगा। जिस बंदे के ऊपर बशारत है दज्जाल के टाइम पर जो वर्स्ट पेन से गुजरेगा, उस पर बशारत नबी सलाम की है कि वो कहेगा कि तू मेरा रब नहीं है, मैं नहीं मानता तुझे। उस वो कहेगा कि अभी मैं इसको आप लोगों के सामने कत्ल करूंगा आरे से, ताकि कोई शक ना रहे। जब ये आपके सामने दो टुकड़े हो चुका होगा फिर मैं इसको दोबारा जिंदा करूंगा, ठीक है, और वो उसको आरे से चीरेगा, सर से आरा फेरना शुरू कर देगा। एंड एवरी वन विल नो ही इज डेड, ही इज गोना आस्क, आप देख लिए? जी देख लिए। अब देखो मैं जिंदा कैसे करता हूं, ही इज गोना ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। कहेगा अब बता, अब मानता है? वो कहेगा अब मैं कसम उठाता हूं कि तू नहीं है, ये मेरे नबी ने बिशारत दी हुई थी, मुझे नहीं पता था ये वाक्य मेरे साथ होना है। ये जादू करतब नहीं दिखा रहा दज्जाल, और समझें हजरत ईसा के सांस से पिघल जाना जादू नहीं है। अंडरस्टैंड इट थ्रू योर सब्जेक्ट्स, दे एक्सप्लेन इट रियली वेल, द केमिस्ट्री इज डिफरेंट, यू कम थ्रू दिस, यू यूज दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज, यू आर नॉट द सेम पर्सन। कभी आप लोगों के जहन में नहीं आया कि नबी सलाम को बुराक की जरूरत क्यों पड़ी थी ऊपर जाने के लिए? अल्लाह ने बुलाया हुआ है कुन की आवाज से, अल्लाह ताला खुद ये एक ट्रेजेक्ट्री खुद भी कर सकते थे, कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? बुराक तो मादे का है नहीं, देखें मुसलमान ना, मुसलमान ऐसी फिजिक्स को मानता है, फिजिक्स को जो कि फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है और ताबे फिजिक्स का हुआ हुआ है। बताता हूं, फास्टेस्ट थिंग इन द प्लैनेट की आप डिस्कवर किए ह्यूमन, जी हाजर, क्या स्पीड है लाइट की? 20 क्या आगे यूनिट बताएंगे तो 20 मीटर। अच्छा तो स्पीड ऑफ लाइट तो पता है आपको, फास्टेस्ट थिंग FTL का पता चल गया, FTL फास्टर देन लाइट कॉन्सेप्ट समझ आ गए? नहीं, कोई इंजीनियर नहीं आप लोग, आप पता चला हमारे केमिकल इंजीनियर का फ्यूचर इंडस्ट्री में क्या होने वाला है? कम ऑन, या क्या है वो, क्या हाइपोथेटिकल नहीं है ना, सुने हम FTL हैं, इस्लाम ने बता दिया हम बिलीव करते हैं, हम बिलीवर्स ऑफ FTL हैं। साउंड तेज है या लाइट? तो मैं जब दुआ करता हूं तो सातवें आसमान में कैसे पहुंच जाती है? एंड्रोमेडा कितनी दूर है? कितने लाइट ईयर्स? एंड्रोमेडा जो नजर आता है सितारा, सितारा कह रहा हूं, कहकशां, रियली यू थिंक इट्स वन लाइट? तो कई मारना था तो कुछ जेन्युइन तो कम मारते, वन लाइट ईयर। पहले हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये सबको मरवाएगा, इतना कॉन्फिडेंट है नहीं बंदा, हम यकीन कर लेंगे और पता चलेगा सब तबाह हो गए। जी अच्छा, जितने भी है वो ऐसी क्या कशां है, मैंने समझा था आपको आता होगा ना, मेरे जहन में नहीं है ना, कितने गूगल कर ले कोई भाई, एंड्रोमेडा कितनी है? यस चलो, टू एंड हाफ मिलियन, मिलियन बेटा मिलियन, ठीक है, आप गौर समझें, एंड्रोमेडा ही हमारे से हमारे आसमान पे है, सूरह मुल्क ने बता दिया हमारा आसमान है, सूरह साफात ने बता दिया हमारा आसमान है, कुरान देखें कैसे गैलेक्टिकल एंड इंटरगैलेक्टिकल करता है हमें,
कोई फिजिक्स का बंदा कहे ना हम तुम्हारे समय बाद नजर आ गए, हमें अगले समय पे बोलेंगे, तो उससे कहना नहीं ये सारा हमारा एक पहला आसमान है। लकद मुज़य्यन समा दुनिया, मुज़य्यन किया सितारों से किसको, दुनिया के आसमान को। दुनिया का आसमान पहला आसमान है। सूरह अंबिया ने बताया ये वाला आसमान लपेटूंगा बाकी नहीं। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने बताया कि ये मैंने अपने ऊपर वादा ले लिया है कि तुम्हारा आसमान लपेटूंगा। सूरह सफात और सूरह मुल्क में पता चला ये वाला आसमान किसे कहते हैं अल्लाह ताला, जिसमें सितारे हैं। तो एंड्रोमेडा नजर नहीं आता हमें आसमान पे, तो अल्लाह ने मुज़य्यन किया हुआ ना उसको इस आसमान पे। तो पहले आसमान पे 2.5 मिलियन लाइट ये लग रहे हैं लाइट को इधर आने में, और मेरी दुआ डायरेक्ट 7वें आसमान पे जा रही है। साउंड जी 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 वही मैं, वैसे वो तो बहुत ही तेज है ना, मैं साउंड वाली बात कर रहा हूं, जरा स्लो वाली की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना। सोचे हाँ हाँ मैं आता हूं क्वांटम, आपस चला क्वांटम क्यों जरूरत था, आपको पता है ना क्वांटम एक्चुअली एक्सप्लेन्स दिस, क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन्स दिस थ्रू केमिस्ट्री, यूजिंग केमिस्ट्री। मुसलमानों को मैं धक्के दे रहा हूं मगर मुसलमान नहीं नहीं भाई सर ये तो इस्लाम का लफ्ज क्यों यूज करें, यहां पर तो साइंस आ गया है। आपको खुद नहीं पता नबी सलाम की हदीस है कि जो मेरे पर दूध पड़ता है फरिश्ते मेरे तक पहुंचाते हैं, बाय हैंड डिलीवरी होती है दुरूद की। आपको फिर नबी सलाम जवाब देते हैं उसका, हदीस पढ़ी है ना, चले तो हदीस है, दुआ का तो बिलीफ है मेरा आपका, वरना तो हम मुसलमान ही नहीं है। सो दुआएं आसमानों में ट्रेवल कर रही हैं थ्रू द स्पीड ऑफ साउंड, इधर स्पीड ऑफ साउंड समथिंग एल्स इज एट वर्क एंड यू गाइस हैड द बुक्स दैट एक्सप्लेन दैट। और ये बैठे में यू नो व्हाट द यूनिवर्स इज मूविंग एट एफटीएल, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज एफटीएल, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इधर मैं अकेला बैठा हूं आम इंसान, मैं एफटीएल करके बताता हूं, बिलीफ है। आप लोगों को क्यों बता रहा हूं कि आपसे क्यों उम्मीद है, बाकी के लोगों को तो ये बात पता भी नहीं चली जो मैंने बोली आपको। जी सर जी, अब बात ये है कि दज्जाल ने अभी आना है और पहले स्पॉट हो गया वो। सो ये टाइम ट्रेवल करके पीछे गया हुआ था या वो किसी और जगह पे था और वो रेलम का डोरवे उस कश्ती के थ्रू खुल गया, मतलब कश्ती के थ्रू नहीं खुला, कश्ती उस डोरवे से गुजर गई और उसने देख लिया। अगर तो दज्जाल का सीन तमीमुद्दारी फ्यूचर में देखते तो तमीमुद्दारी वेंट इनटू द फ्यूचर, बट ही डिडंट गो इनटू द फ्यूचर, ही वेंट इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन। That's why it's not a travel through time, it's a travel through dimension. Tamimuddari ka the jal is in multiple dimensions at the same time, it's not time travel. Okay, samajh aa gayi baat? Multiple dimensions ji, surah mulk explain karte hai isko physics ke students, surah mulk। ये सवाल तो आप लोगों को एक्सप्लेन, जवाब आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए था। सूरह मुल्क किसको याद है, सुनाए जरा। पहली आयत जब तबारक अल्लाह से शुरू करेंगे ना तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, असूल याद है। बीच में तो शुरू करेंगे तो फिर औजुबिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें या बगैर औजुबिल्लाह के भी शुरू करें, असूल नहीं भूलना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड स्लो, आवाज ऊंची करें। आई स्पीड तेज कर दी है क्योंकि कारी साहब ने रटा हुआ है, मैंने भी, हम सब स्लो कर ना बेटा, स्लो कर। आप देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में किस तरीके से यूनिवर्सेस को ज्योग्राफिकली प्लेस कर रहे हैं।
الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بس یہاں پہ تک جی اب مطلب بتائیں اس کا جی اب یہ اردو کے بھائی صاحب کو فزکس نہیں آتی تھی جس نے ترجمہ کیا ہے جس بھائی صاحب نے اس کا قصور تو نہیں ہے اس کا کام نہیں تھا فزکس سیکھنا آپ کا کام تھا فزکس سیکھنا یہاں تک پہنچا دی اس نے قرآن آپ تک حدیث یونیورس کی جیومیٹری پوری بتا چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے حدیث خالی تہ بتہ کا لفظ یہاں پہ اس حدیث کی اس جیومیٹری کا پورا نہیں کر رہا سمجھ رہے ہیں حدیث ہر آسمان کے بارے میں انالجی کا دیتے نبی اسلام نے کیا انالجی دی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے یہ ہے سکوپ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے اتنا چھوٹا ہے ایک آسمان دوسرے آسمان سے اور اگلا آسمان کیا ہے وہ انگوٹھی ہے اس سے اگلے آسمان کے لیے اس کا سکوپ اتنا بڑا ہے اور کرتے کرتے پھر ساتواں آسمان کیا ہے ساتواں آسمان وہ والا صحرا ہے جس میں چھٹا آسمان ایک انگوٹھی ہے تہ بتہ از ناٹ انف تہ بتہ کہہ دینا از ناٹ انف سو جی مگر ان سفیر یا ان سفیر خالی تہ بتہ کافی نہیں تھا کیونکہ تہ بتہ does not do justice to the entirety of the geometry, the explanation of geometry. آپ پوری کے پوری طریقے سے سفیریکل لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر آسمان دوسرے آسمان کے پیرل ایگزسٹ کرتا ہے خالی اوپر کی ٹرجیکٹری نہیں ہے نیچے بھی ہے لیفٹ پہ بھی ہے رائٹ پہ بھی آل ڈائریکشن آف کورس اٹس اے سفیئر سو آل آف دوز ڈائریکشن ٹھیک ہے سو کیا کہتے ہیں ایک سفیئر کے تمام تر پوائنٹس کو ملا لو تو کیا بنتا ہے اگلا سوال کریں بیٹا ہر لیول کے اوپر وہ تہ نکلے گی ہر اینگل سے وہ تہیں آئیں گی ٹھیک ہے اف یو کمبائن آل دا پوائنٹس آن دا سفیئر واٹ ڈز اٹ میک گریڈس کیا آتے ہیں ویسے ایوریج میں آپ لوگوں کے اے ہی آتے ہوں گے بی ورنہ تو ادھر نہیں ہوں گے آپ یہ چھٹی کلاس کے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے پانچویں کلاس کے جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پورا کا پورا ایک بال ہے بال کے اندر ایک اور بال ہے بال کے اندر تو تہ بتہ تو بنتا ہے مگر تہ بتہ کا لفظ بالز نہیں بتا رہا سفیرز نہیں بتا رہا پانی اور پانی کے اوپر اللہ کا تخت ہے بہت پیارا سوال ہے ونڈرفل کوسچن یہ چاہیے دماغ جو اس طریقے سے سوچ رہا ہو کیا نام ہے آپ کا بیٹا سبحان اللہ کسی کا مطلب کیا ہوتا ہے پکڑ لو اس کو یہ جانے نہ پائے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستان میں عرب میں اس کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے اللہ بالاتر ہے اس چیز سے نا پاک کا مطلب ہمیں پتا کیا ہے نا میں وضو کر کے پاک ہو جاتا ہوں نا غور سمجھیں عربی میں اس کا مطلب سمجھیں عربی کی اصطلاح میں سبحان کا مطلب کیا ہے غور سے سننا بیٹا نام کیا آپ کا علی غور سے سننا سبحان کا عربی میں جو مطلب ہے نا جس کی وجہ سے سبحان اللہ کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے اوپر تیر رہا ہے یہ اصل میں عربی میں مطلب ہے اوپر کی لیئر پہ تیرنے کا فزکس میں کیا کہتے ہیں اس کو
نہیں 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 فلوٹنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بونسی. یس. تو تیرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والی لیئر پہ ہونا ضروری ہے. پانی کے اوپر تیرتا وہ ہے جو سب سے اوپر والی لیئر پہ ہوتا ہے پانی کی لیئرز میں, ٹھیک ہے؟ وہ بالا تر کہتے ہیں اس کو. بالا تر کا یہ مطلب ہے سب سے اوپر ہے. یہ ہے اصل میں مطلب سبحان اللہ کا, کہ ساتویں آسمان کے اوپر جو لیئر ہے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اس کے اوپر. ہی از اراؤنڈ دا یونیورس. یہ مطلب بنتا ہے سبحان اللہ کا عرب ذہن کے اندر. میں آتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت اچھا. یہ بھی اچھا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف یونیورس کے اوپر. یہ ہمارا ڈفرینٹ ڈسکشن پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور صرف اوپر کائنات کے اوپر والی لیئر پہ نہیں. نہ وہ تیسرا اینگل ہے. وہ تینوں کے تینوں کمبائن کریں گے. آپ بتاؤ آپ کو اس کے ڈائمینشنل کیسے بتاؤں آپ کو. اب امید میری بند ٹوٹی ہوئی ہے نا کہ جو پوچھ رہا ہوں آپ کو آ نہیں رہا, تو بیسکس ذرا پوچھ لیں. میں یہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی بتایا نا. اللہ تعالیٰ نے تو عربی میں صحیح بتایا, اور حدیث اسی لفظ کو یوز کرتے ہوئے سفیریکل پورا کا پورا آسمان کا سٹرکچر بتا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ اس کو سائلنٹ کر لینا. تو عربی سیکھو بیٹا, یہ ہے اصلی سوال. کہ عربی تو سیکھیں گے آپ, اس کے علاوہ تو نیبل بدل نہیں. جی بیٹا تھوڑا اونچا بولا کرو ورنہ دنیا میں ہر کوئی تابع کر لے گا آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا, پر ہماری گورنمنٹ فلسطین رہنمائیوں کے لیے کچھ کر دی ہے ڈیو ٹو ایکسٹرنل پریشر. سو واٹ از یور تھاٹ؟ اور سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کے انٹرسٹ کے باوجود ہماری حکومت اپنے فلسطین رہنمائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن ناٹ نو وے ٹو فزیکلی فائن. یہ سوال باقی کے سوالوں کے بعد اینڈ میں پوچھیں. فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. خالی واٹس ایپ کرنا, شیئر کرنا ویڈیوز, دیٹس ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. اوکے, make sure you understand there's some certain things you're going to do, inshallah you are going to do, only UET and certain universities can start that. Okay, aapke kaun kaun se departments hain tere waise mote mote bataye idhar jo aaye hue hain jo idhar aaye hue hain na bataye. Computer science bhi hai? Haath khada kare computer science wale. اوکے, آپ یہ بتائیں آپ کی یو ای ٹی کا سب سے بڑا کلب کون سا جس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس میں یہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں؟ تو 200 بس پلس 1 200 اسٹوڈنٹس پوری یو ای ٹی کے سب سے بڑے کلب میں 200 بچے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کی اپنی یونیورسٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. بتاتا ہوں آپ کو اس کا علاج کیا, فکر نہیں کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایک بھی کلب ایسا نہیں جس میں زیادہ تر یونیورسٹی اکٹھی ہو جاتی ہو اسٹوڈنٹ باری. نو کیا الاؤ نہیں ہے؟ پالیٹکس ہو رہی ہے, سائنس ہے بھائی. سائنس کلب میں بھی تو 200 آ گئے نا. یاد رکھیے گا ہر اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو کلب کا ممبر ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے, چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا یا فیس بک ہو, کوکنگ ہو, ڈانسنگ ہو, وٹ ایور. آپ کے کلب میں نہیں آ رہا بیکاز ہی ڈزنٹ ریلی نو واٹس ان اٹ فار ہم دیٹ یو گائز ڈو. دیٹس ا پرابلم.
there is a big problem.